Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. ये वीडियो देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज से वायरल है. वीडियो में जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा हुआ है वो PICU वार्ड में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली पाइप को ही चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर ही पकड़ा गया. दरअसल उत्तर प्रदेश के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में PICU वार्ड में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले ऑक्सीजन पाइप को चोरों द्वारा काटकर चोरी करने की वारदात सामने आई. ये मामला तब उजागर हुआ जब PICU वार्ड में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी उसका प्रेशर अचानक से कम हो गया. तब आनंद फानंद में वार्ड में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया कराया गया. और जब वार्ड के पीछे जाकर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह का पता लगाया गया तो कई फीट पाइप कटी मिली. मेडिकल प्रशासन चौकन्ना हुआ और पुलिस को सूचना दी. और जब दोबारा इस घटना को करने के लिए युवक पहुंचा तो उसे अस्पताल में लगे सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया. वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर प्रद्युम्न ने बताया कि 20 दिन पहले ही ऐसी चोरी हुई थी, उसके बाद चोरों का ये दूसरा प्रयास था. 20 दिन पहले भी ये घटना हुई थी तो उसको तो मरम्मत कर दिया गया था और उसमें वही पाइप चोरी की घटना हुई थी. और या फिर जो सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हम लोग किए थे, फिर बाद में पाइप का हमने मरम्मत कर दिया गया. उसके बाद फिर करीब 20 दिन के बाद फिर ये घटना दोबारा हुई तो फिर वहाँ पे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था पहले से कर दी गई थी तो उसमें दो लोग पकड़े गए हैं, एक शनिवार की शाम को और दूसरा सुबह में. और जो सुबह में पकड़े गए थे उनके पास तो पाइप भी कटा हुआ मिला था. दोनों को फिर जो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर थाना है वहाँ हम लोग उनको पुलिस को सुपुर्द कर दिए थे. इस पूरे मामले में सदर कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद परवेज और सुमित कुमार जो शहर के भटवलिया निवासी हैं, इनकी उम्र 19 से 21 साल के आसपास है. ये दोनों नशेड़ी किस्म के युवक हैं. इनके द्वारा कॉपर से बनी ऑक्सीजन पाइप को काटकर कबाड़ी के यहाँ बेचकर उस पैसे से अपने नशे की जरूरतों को पूरा किया जाता था. पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया. महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पुराने बिल्डिंग में ऑक्सीजन पाइप की काट कर चोरी की वारदात हुई है जिससे काफी दिक्कतें आई. हालांकि चोर इस समय पकड़ लिए गए हैं. हम इस समय मौजूद हैं उसी पुराने बिल्डिंग में जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये पीली पाइप दिखाई दे रही है पीले कलर की, इसी से ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी PICU वार्ड में और कुछ अन्य वार्डों में. लेकिन चोरों ने जो नशेड़ी किस्म के बताए जा रहे हैं उनके द्वारा यह चोरी की वारदात हुई है क्योंकि यह इसमें कॉपर की यह पाइप होती है, लिहाजा वह कबाड़ी को बेचकर अपने नशे की लत को पूरा करते थे. फिलहाल इस समय यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और अधिकारियों का जो मेडिकल प्रशासन विभाग के हैं उनके द्वारा कहा गया है कि मरम्मत का काम कर दिया गया है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वह सुचारू रूप से चल रही है. राम प्रताप सिंह, देवरिया, UP तक.